बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म गमार होवत जन्म गमार। रे हो दुनिया जन्म गमार हो खोवत जन्म गमार। मत माती माया की छाकी मत माती माया की छाकी सुनत नहीं ही पुकार हो सुनत नहीं पुकार। रिहो दुनिया बावरी खोवत जन्मागमार हो होवत जन्म गमार। सत संबद को कोई न चिन्हे सत संबद को कोई न चिन्हे सुने हृदय नहीं संभार हो सुने हृदय नहीं संभार। रिहो दुनिया बावरी होवत जन्म गमार हो खोवत जन्म गमार। अपनी मत ले साधु बोले अपनी मत ले साधु बोले सबर भये अपार हो सबर भये अपार। रिहो जन्म गमार हो खोवत जन्म गमार। समझे साध जो आपको देखी समझे साध जो आपको देखी तामे बड़ी अंधार हो तामे बड़ी अंधार। रिहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गमार हो जन्म गमार। बहुत शब्द को अर्थ न उपजे बहुत शब्द को अर्थ न उपजे या बल सुप न धुतार हो या बल सुपन धुतार। रिहो दुनिया बावरी खोवत जन्म गमार
आवत जन्म आगमाय, तब बलना चले इन नारी को, तब बलना चले इन नारी को, लोप न सके लगा हो, लोप न लगे इस लगा रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म आगमाय हो, खोवत जन्म आगमाय रे हो दुनिया बावरी खोवत जन्म आगमाय हो, खोवत जन्म आगमाय। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। के गुण के मैं क्या कहूँ, इन अवगुण पर वारी वारी दुलहिना, मैं वारी वारी दुलहिना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री जानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महारानी वायुराज की जय। राजा छत्रसाल की जय। जी मंगलदास महाराज की जय। औरों का
हमारा चेहरा देख करके हम क्या करेंगे, हमारा तो चेहरा है रूप में। इसी भी रूप में श्री राज जी ने हमें भेजा, सृष्टिकर्ता ने जो चेहरा दिया सुन, पर कुछ लोग सुंदर चेहरे वाले होते हैं। तो आपके पास सुंदर चेहरा है तो कहीं ना कहीं किसी कोने से लोग आपको देखते हुए होते हैं, कितना सुंदर चेहरा है, कितना अच्छा व्यक्ति है, या कितनी अच्छी देवी है, महिला है, पुरुष है, सुंदर चेहरा है तो लोग देखते हैं उसको, पर वो कितने दिन रहेगा सुंदर चेहरा, कितने दिन रहेगा, 10 साल 20 साल 25 साल 30 साल, फिर तो प्रौढ़ अवस्था की निशानियां आने लगती। सुंदर चेहरा हमेशा नहीं रहेगा, चेहरे की सुंदरता का जो आकर्षण है ना वो क्षणिक है, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए है, परमानेंट नहीं है। और दूसरा सुंदर क्या होता है कि सुंदर वचन, सुंदर बोली, उसका असर लंबा होता है। आप सुंदर बोली बोलते हैं, मीठी बोली बोलते हैं, सबको ग्रहणीय बोली बोलते हैं, आपकी बोली सुनकर के सबको अच्छा लगता है, ये बोलता ही रहे और हम सुनते ही रहे, ऐसा होता है कभी कभी। तो देखिए आपकी सुंदर बोली है तो समाज आपके साथ होगा, परिवार आपके साथ होगा, इष्ट मित्र कुल कुटुंब भी आपके साथ होंगे, आपकी मधुर बोली से आप कड़क बोल रहे हैं, चुभने वाली बात बोल रहे हैं, ठेस पहुंचने वाली बात बोल रहे हैं, किसी को चोट मार रहे हैं बोली से, वचन की चोट होती है ना, तो ऐसे आदमी को कोई पसंद नहीं करता है। ये तो बार बार हमको कुछ ना कुछ रोकते रहते हैं, कुछ ना कुछ सुनाते रहते हैं ऐसा करके, पर आपकी बोली में ही मधुरता है, आपकी वाणी में मधुरता है, मधुर वाणी बोलते हैं, सबको पसंद आ जाए ऐसे आप बोली बोलते हैं, तो उसका असर भी बड़ा लंबा होता है। जब तक मधुर वाणी बोल सकता है तब तक उसका असर बना रहेगा। आप देखिए और एक सुंदर है, हमारे पास सुंदर चेहरा भी नहीं है, सुंदर वाणी भी नहीं बोल सकते हैं, तो सुंदर कार्य करें, ऐसा कार्य करें कि आपका कार्य सुंदर हो, परिवार के हित के लिए, समाज के हित के लिए, मानवता के हित के लिए आप कार्य कर रहे हैं, तो आपका कार्य सुंदर होगा तो आपकी महिमा होगी, फिर लोग आपकी प्रशंसा करेंगे, आपसे लोग प्रभावित होंगे, क्योंकि आपका कार्य से लोगों को फायदा मिल रहा है, सुख मिल रहा है। जैसे किसी व्यक्ति ने स्कूल बना दिया, हॉस्पिटल बना दिया, रास्ते खुदवा दिए, पानी की व्यवस्था कर दी गई, कई सदाबर्त भंडारा किसी ने चलाया, तो आप देखिए कि सुंदर कार्य उसने किया, सुंदर बोली तो उसने नहीं बोली, पर कार्य उसका बड़ा सुंदर है, तो उसका प्रभाव आजीवन रहता है, जब तक वो जिंदा रहेगा और चला भी जाएगा तो भी लोग उसकी महिमा गाते रहेंगे, धन्य है इन्होंने ये काम किया तो उसका लाभ हम लोग ले रहे हैं। तो यही है कि सुंदर साथ रखने का अर्थ यही है कि सुंदर बोली बोले, सुंदर कार्य करें, चेहरा सुंदर हो ना हो उसकी चिंता न करें, वो तो प्रकृति का प्रेम है, उसी को स्वीकार करके चलना ही पड़ता है। तो आज राग काफी में वही किरंतन का एक प्रसंग चल रहा है, आज नया प्रकरण शुरू हो रहा है, राग काफी में है और भाषा गुजराती है, क्योंकि श्री जी महाराज जब तक गुजरात में रहे तो गुजराती में चौपाइयाँ उतरती रही, जब वो राजस्थान की भूमि में आए, पेड़ता की ओर आए, तो उन्होंने फिर हिंदी में वाणी उतारना शुरू किया,
सुना वृंदावन दिल्ली अनुपसर हरिद्वार होते होते पन्ना तक पहुँचे तो उनकी वाणी हिंदी में उतरी, पर जब तक गुजरात की परिधि में थे तब तक उनके मुख से गुजराती में वाणी उतरती थी। तो मैं गुजराती सुंदर साहब को भाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि आप जो भाषा बोलते हैं पुराने मैथिली में भी वही भाषा बोली है ना। तो हम लोगों को तो तालीम लेकर के जब हम लोग पढ़ते थे, कोई भी विद्यार्थी पढ़ता है तो ये चौपाई की तालीम लेनी पड़ती है, एक एक चौपाई का अर्थ समझना पड़ता है। पर आप लोगों को तो जन्म सिद्ध है कि तालीम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुजराती चौपाई आती है फटाफट फटाफट पढ़ जाते हैं, और हिंदी आती है तो थोड़े से समय लगता है। और मैं पंजाब के सुंदर साथ को देखता हूँ, वे लोग भी पढ़ते हैं पंजाब में, जब तक गुजराती चौपाई चलती है तो कहते हैं कोई पढ़ने वाला भेज दो, हमसे पढ़ा नहीं जाता। जब हिंदी आती है तो धनाधन पढ़ते हैं, आगे पढ़ाते रहते हैं, अपनी भाषा है ना, अपनी भाषा, अपना वेश, अपना आहार, अपना विचार अच्छा लगता है। उसी में हम रमे हुए होते हैं, उसी हम खेले हुए होते हैं, उसी में हम खोए हुए होते हैं। तो श्री प्राणीनाथ जी महाराज ने भी कई प्रकरणों को गुजराती में सजाया, किरतन के कई प्रकरणों को। तो आज की चौपाई में कहते हैं मीठड़ा मीठा रे मुनि बचनिए कहाँ भागो, मीठा राज्य को भी मीठा कहा ना। तो हे मेरे मीठे धनी, आप मीठी मीठी बातें तो करते हैं, मीठी मीठी बात करत भी आप हंसो। राजी अपने सखियों से मीठी मीठी बातें तो करते हैं, और राजी का स्वभाव भी मीठा है, वचन भी मीठे हैं, पर मुने वचन ये काम आओ, वचन सुना करके मुझे बोला फुसलाओ नहीं, बोलाना फुसलाना तो छोटे लोगों को होता है ना। जैसे छोटा बच्चा होता है ना रोने लगता है, उनको बाजार में करके जाएंगे, नए नए कपड़े खरीद देंगे, मिठाई भी देंगे तुमको, खिलौना भी देंगे तुमको, तो चुप हो जाता है, रोना बंद कर देता है, चलो कहाँ बाजार में लेके चलो। तो बहलाने से वो खुश हो गया ना, फुसलाने से बहलाने से खुश हो गया। अज्ञानी लोगों को भी बहलाने फुसलाने से बहुत काम करते हैं, कई कार्यकर्ता ऐसे होते हैं ना, बहुत दिमाग तो उनके पास नहीं होता है, पर बहला दो फुसला दो बड़ा काम कर देते हैं। पर एक ज्ञानी व्यक्ति को कोई बहलाए फुसलाए तो उसमें फर्क नहीं पड़ता है, वो समझ जाता है कि ऐसे ही फुसला रहा है, कुछ बना लेना नहीं है, बस ये बातें बातें कर रहा है। तो इंद्रावती सखी के रूप में श्री जी महाराज की राजी से कहते हैं कि राजी महाराज आप मीठे मीठी बातें करते हैं, और मीठी मीठी बातें करके कहीं मुझे बहला न देना, मुझे वचन ये कहा बाबू मीठा रे मुख ना ले मीठड़ा, आपका मुख मंडल तो बहुत मीठा है, बहुत सुंदर है, स्वरूप सुंदर सनकुल सुकोमल कहते हैं ना, राजी का स्वरूप सुंदर है सुकोमल है। तो ऐसे सुंदर श्री राज्य का जो स्वरूप है, चेहरा भी सुंदर राज्य का, सुंदर से सुंदर अति सुंदर ऐसे राज्य का चेहरा है। तो कहते हैं कि आपका मुखमंडल सुंदर है, और आपकी बोली सुंदर है, आपकी रसना सुंदर है, आपका कंठ सुंदर है, कंठ से जो बोली निकलती है वो भी बहुत सुंदर है। कान प्रियतड़ी करीने परा थाओ, पर मेरे से प्रेम करके आप दूर क्यों होते हैं, आपने अपनी अंगना जान करके मुझसे प्रेम किया, धर्म से जोड़ा, अपनी भक्ति से जोड़ा, अब आप दूर क्यों होते हैं। ये प्रसंग प्राणीनाथ जी सदगुरु को भी लेकर के, सदगुरु को भी साथ में रखते हुए ये प्रसंग बोल रहे हैं कि देवचंद्र जी महाराज के रूप में राज्य मिले कि
क्योंकि राज्य तो तारतम लेकर के प्रकटे न तो देवचंदी महाराज के हृदय में बैठे, तो सदगुरु के हृदय में बैठे हुए श्री राजी श्री सुंदर भाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दिवो आधार लेते हैं, राजी पूर्ण आवेश देकर के उनके बैठ गए। तो ऐसे सदगुरु के रूप में राजी ने इंद्रावती सखी को बड़ा प्यार प्रीत दिया। 13 साल तक वो उनके चरणों में ही जाते रहे। फिर उसके बाद भी फिर 25 साल तक आप सोचिए प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष परोक्ष कैसे गुरु का आशीर्वाद तो मिलता ही रहा, उनके सुंदर वचन कहीं ना कहीं सुनने का अवसर मिलता ही रहा। तो कहते हैं कि ऐसा प्रीत आपने दिखाया, फिर आप अंतर्धान हो गए, सदगुरु महाराज को अंतर्धान हो गए, धाम गमन उनका हो गया, तो मुझे अकेला छोड़ करके आप दूर क्यों हो गए? या तो प्रीति न करो, प्रीति करते हो तो निभाओ उसको, प्रीत की रीत कहते हैं ना, कोई प्रीत करता है तो उसकी रीत को निभाना जरूरी होता है, केवल प्रीत प्रीत करता है रीत नहीं निभाता है। प्रीत करने का अर्थ क्या है कि उसके जन्मदिन में आप बधाइयां दो, कुछ हो सके तो गिफ्ट ला करके दो, और उसने कोई अच्छा काम किया है तो शाबाश शाबाश कहो। प्रीत की रीत यही होती है ना, किसी से हम प्रेम करते हैं, किसी से हम स्नेह रखते हैं, किसी को हम किसी से हम आकर्षित हैं, तो उसकी विधियाँ निभाई जाती है, रीत निभाने की एक क्या है कि परंपरा होती है, एक दस्तूर, उस दस्तूर का आप पालन कीजिए। स्नेहा सन्मंदरों समझा बिने अंतराय काढ़ी डाली, आपने परम धाम का संबंध समझाया कि एक इंद्रावती तेरा और मेरा संबंध केवल दुनिया का नहीं है, परम धाम का है, मूल संबंध जानी मारा वाला अखंड सुखड़ा भाग्या, मूल परम धाम का संबंध आपने समझा दिया कि हम तो वहां की सखियां हैं, ऐसा करके परम धाम से छोड़ा। और ऐसा प्रेम और ऐसा संबंध पूरा हमें समझा समझा करके पक्का करके अंतर आए आड़ी डाली, मेरे मन में जो अंतर भाव होगा, माया का आड़ा पर्दा जो लगा हुआ था उसको भी आपने हटा दिया, सब कुछ आपने खोल दिया, स्पष्ट कर दिया। हवे आता कि न सही न सकूं, पर आप मेरे से जुदा हो गए, अंतर्धान हो गए, अब ये बिरह पल भर भी मेरे से सहा नहीं जाता, क्योंकि बिरह सहना दुखदाई है ना, दुखदाई होता है। आनंद तो आराम से गुजारते हैं ना, जो आनंद की घड़ी है ना उसको बिताना बहुत अच्छा लगता है, कब बीता पता ही नहीं लगता, और दुख की घड़ी बिताना है तो कब बीते ऐसा लगता है ना। आपने कभी अपने दांत खुलवाए हो डॉक्टर से, क्योंकि कोई समय ऐसा आता है कि दांत में कीड़े लग जाते हैं ना, कीड़े लगने का तो बड़े बड़े कीड़े तो नहीं खाते हैं, परंतु कुछ दांत में ऐसे ही, अब दांत तो उनकी भी एक आयु होती है, तो ऐसे ही उसमें कुछ जॉब्स आ जाते हैं जो दांत को अंदर ही अंदर खाने लग जाते हैं, तो दर्द शुरू होता है, फिर खुलवाना पड़ता है। जब आप दांत निकालने के लिए जाते हैं ना, तो डॉक्टर लोग दांत निकाल करके और रुई उस खंडे में डाल देते हैं, बोलते हैं आधा घंटा आपको बोलना भी नहीं, थूकना भी नहीं, कुछ करना नहीं, सहते रहना सहते रहना, वो आधा घंटा आपके लिए 2 घंटा जैसा हो जाएगा, क्योंकि दर्द सह रहे हैं ना आप, बाद में तो फिर पेन किलर लो या कुछ भी लो, पर पहले एक बार दांत खोलते हैं ना, और लोग इंजेक्शन भी लगाते हैं, पर इंजेक्शन का भी कभी कभी असर होता है, दर्द सहना। कहीं भी ये पेट उदाहरण मैंने दिया, कहीं भी दर्द आ जाता है, पेट में दर्द आ जाए, कभी हाथ पांव में दर्द आ जाए, गर्दन में दर्द आ जाए, कमर में दर्द आ जाए, घुटन में दर्द आ जाए, उसको सहना बहुत कठिन होता है, दर्द सहना। पर श्री जी महाराज ये शारीरिक दर्द की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो उदाहरण के लिए शारीरिक
दाता को समझते हैं। श्री जी महाराज कहते हैं बिछुड़न का दाता, हम अपने मालिक से बिछुड़ गए, अपने धनी से बिछुड़ गए, बिछुड़न का दाता। जिसे आप देखिए बिछुड़न का दाता जानवरों को भी होता है। जो कुत्ता आपके घर में होता है ना, उसको छोड़ करके आप एक दो दिन बाहर गए और आके मिले तो कितना वो दुखी होता है ना, छोड़ के जा रहे हैं तब से वो दुखी होता है। जानवरों को भी बिछुड़न का दर्द सताता है। गाय भी स्वामी को पहचानती है ना, जो गाय रोज आप जाकर के सहला रहे हैं, घास खिला रहे हैं, ऐसी गाय भी जब वो मालिक इधर उधर जाता है तो भी हर घास नहीं खाती है। घोड़ा भी स्वामी भक्त प्राणी है, कई कई प्राणी ऐसे होते स्वामी भक्त होते हैं, घोड़ा भी कभी कभी नाराज हो जाता है। इसी तरह से तोता मैना कहते हैं ना, वो जो पक्षी है वो भी मालिक को पहचानते हैं। मालिक खिलाता है तो खाते हैं, दूसरा खिलाता है तो खाते ही नहीं है, और मालिक कहीं इधर उधर चला गया तो भूखे रह जाते हैं। तो देखिए जीवों को भी बिछुड़न का दर्द कितना सताता है ना, अपने मालिक के बिछुड़न का दर्द। तो ऐसे ही ये तो उदाहरण है, क्योंकि दृष्टांत से सिद्धांत को समझना होता है। ऐसे ही हमें भी राज्य से बिछुड़न का एक अनुभव होने लगे, परम धाम से बिछुड़ गए, राज्य से बिछुड़ गए, ऐसे एक दर्द दिल में हो तो दर्द से ही दीवानगी आती है, दर्द देव दीवानगी कहते हैं ना। तो उस तरह से हमारे में एक जागृति आती है, जागने का अवसर आता है। कहते हैं मारे ना आवे अवसर हो वाली, ये अवसर दोबारा आने वाला नहीं है। एक बार मानव जीवन में अवसर आया, इसमें भी आप दर्द देते जाएंगे, बिछुड़न देते जाएंगे, तो हम इसका मानव शरीर प्राप्त करने का आनंद कब लेंगे? आपसे मिले, इसी शरीर से मिले, इसी शरीर से आपकी सेवा हो, इसी शरीर से भोग व्यंजन बना करके आपको चढ़ा सके और आप ग्रहण करें, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा। तो इसी जीवन में आप कृपा करके अवसर दीजिए। अबे विलक्षण काला बिना हूं तो प्रेम निपाती पीड़ाओं, कहते हैं ये वाला जी आपके बिना बिलख रहे हैं, तलफ रहे हैं और अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं। लोनलीनेस कहते हैं ना अंग्रेज में, एलोन और लोनलीनेस कहते हैं ना, अकेला भी है और एक बिछुड़न का, अकेले होने का एक आभास भी मन में हो रहा है। तो इस तरह से हम बिलख रहे हैं, वो तो प्रेम की बात पीड़ा, हम प्रेम की प्रेम से पीड़ित हैं, भक्ति से पीड़ित हो जाना चाहिए। दुनिया में लोग कई कई चीजों से पीड़ित होते हैं, जैसे धनी लोग होते हैं ना पैसे वाले, वो गरीबों को कभी कभी पीड़ा देते हैं ना, सता में कम पैसा देंगे, ज्यादा काम लेंगे पैसा कम देंगे, ऐसा भी सब होता है। इसीलिए आजकल सबके संगठन बने हुए हैं, कोई कम पैसा ना दे इसके लिए सब सबके अलग अलग संगठन बने हुए, वो लोग मदद करते हैं। पर कोई जमाना ऐसा था कि बहुत कम पैसे में बहुत ज्यादा काम कराया जाता था, तो ऐसे करके कम सैलरी मिलने का एक दर्द होता है, पीड़ा होती है। किसी के पास भोजन नहीं है तो भोजन न मिलने की पीड़ा है, और पीड़ा है। पर प्राणीनाथ जी कहते हैं मुझे तो प्रेम की पीड़ा है कि मेरे प्रेमी ने मेरे प्रेम को स्वीकार क्यों नहीं किया, और वो मेरा प्रेमी मेरे आगे खड़ा क्यों नहीं होता है, मेरे धनी मेरे सामने खड़े क्यों नहीं है। तो एक प्रेम लक्षणा भक्ति की पीड़ा है, उससे पीड़ित है। कहा अलग आप रही ने हुआ निस दिवस अटकला, आप तो अलग कहीं खड़े देख रहे हैं दूर से, राज्य की दृष्टि तो सब पर है ना, राज्य तो कुल मिला वैसे देख ही रहे हैं, हम लोग खेल में आए राज्य दूर से देख रहे हैं और खड़े देख रहे हैं, उभा मतलब खड़े हो गए। उस दिन वो निस दिवस फटकला काम, और हम दिन रात अधीर होते जा रहे हैं, दिन रात परेशान होते जा रहे हैं, आपको न देखने का
आपका प्रत्यक्ष न होने का, आपसे दूर होने का, आपकी भक्ति से वंचित होने का, न जाने कितने सारे दुविधाओं से हम गिरे हुए हैं और अधीर होकर के एक पागल की तरह हम भटक रहे हैं। नहीं, ऐसे दशा में आप न पहुंचाएं, आप अपने चरणों तले हमें स्वीकार करें। हवे कहो नी बालाजी, ये मैं करूँ, ये बालाजी आप ही कहो हम क्या करें, क्या इस दुश्मन के दाता को सहते रहें या बिछुड़न के दर्द से मन को बहला करके और किसी काम में लग जाए, कमाई धंधे में लग जाए, क्या करें हम? आप ही कहिए कि हम किस रास्ते को चुने, कहाँ जाए, कैसे करें। पर दुनिया का कोई भी रास्ता हम चुने, अंत तो गंतव्य राज्य के पास ही जाना है। दुनिया के पास तो हमेशा नहीं रह सकते, घूम फिर करके इस आत्मा को राज्य के चरणों में पहुंचाना है। तो कितना ही दर्द हो, कितना ही कष्ट हो, कितनी वेदना हो, कितना ही दूर होने का अनुभव हो, भक्ति से जुड़े रहे, भक्ति करते रहे, भावना मग्न होकर के रहे, प्रेम प्रकट करते रहे, प्रेम प्रकट करने में कमी होने न दें, क्योंकि प्रेम खोल देवे सब द्वार पारे के पार जो पार। श्री जी ने परिक्रमा ग्रंथ में कहा ना, प्रेम ही तो परम धाम का दरवाजा खोल देता है, इसलिए उस प्रेम को कम होने कभी नहीं देना चाहिए। प्रेम बढ़ता रहे वो अच्छा लगता है, प्रेम घटे वो अच्छा नहीं लगता है, प्रतिदिन बढ़े पल पल नित नित प्रेम का विस्तार हो, उसका आनंद गजब का होता है। तो कहते हैं कि हे बालाजी, अब ऐसा मुझे आप आदेश करें कि आपके बिना हम रह नहीं पाते हैं, इसीलिए आपकी भक्ति सागर में ही हम डूबे रहें। एव करता इंद्रावती ने मंदिरे पधारिया, मारे आनंद अंगन माए। विलाप करते करते इंद्रावती के हृदय धाम में सदगुरु प्रवेश कर गए। इंद्रावती के रूप में उस नजर बंद में बैठ करके विलाप कर रहे थे, विलाप करते करते विलाप हो गया। देखिए सदगुरु अब इंद्रावती के हृदय धाम में आकर के बैठे, कहते घबराओ नहीं इंद्रावती, हम तुम्हारे साथ ही, हम तुम्हारे हृदय मंदिर में बैठे हैं, तो हृदय के एक एक धड़कन चलती है तो मेरे होने का एहसास करना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर धड़कन में मुझे याद करना, हर धड़कन में राज्य हमारे साथ है, धनी जी हमारे साथ है, ऐसा अनुभव करते हुए जीवन को आगे बढ़ाना, जीवन नैया को आगे बढ़ाना है। तो हमारे आनंद अंगन माए, जब ऐसा अनुभव हमें होने लगता है कि राज्य दूर नहीं है, राज्य हमारे पास है, हमारे हृदय में है, बस हृदय के राज्य की सेवा हम नहीं कर पाते, इसलिए मंदिर में राज्य को पधरा करके उनकी सेवा करते हैं। हृदय के राज्य को एक स्थान में स्थापित करके हृदय की भावना को प्रकट करके कि वहाँ में प्रैक्टिकल करना अच्छा लगता है, हमें केवल थ्योरी सुन करके संतुष्टि नहीं होती है ना। विज्ञान में क्या होता है, तो जो मास्टर होते हैं विज्ञान के, साइंस के जो टीचर होते हैं, पहले थ्योरी सब बात समझाते हैं क्लास में, फिर प्रैक्टिकल के लिए वो लेबोरेटरी होती है उसमें लेकर के जाते हैं, ये प्रैक्टिकल है, ऐसे सब होता है। तो हमारा भी थ्योरी क्या है, हम चर्चा सुनते हैं तो ये तो थ्योरी है, पर सेवा पूजा करते हैं तो प्रैक्टिकल है ना। सेवा पूजा में प्रैक्टिकल अनुभव होता है, जैसे परम धाम में सेवा होती है, चंदन घिस रहे हैं, आरती तैयार कर रहे हैं, भोग तैयार कर रहे हैं, राज्य के लिए श्रृंगार तैयार कर रहे हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं। तो इस तरह से प्रैक्टिकल सेवा करके हम जीवन में आनंद का अनुभव करें, हमारे जीवन में आनंद बरसे, आनंद उतरे, ये भाव रख करके ये चार चौपाई का प्रकरण था, छोटा सा प्रकरण, राग काफी में इसको सिखाया गया था, इसका सारांश मैंने जो कुछ मुझे आता है, क्योंकि हमें सब कुछ आता है ऐसा हम कभी कह नहीं सकते, कुछ अंश जब गुरु महाराज की कृपा से हमने सीखा, हमने पाया, हमने अनुभव किया, उसका सारा आपके समक्ष रखा है। और आज का भी हमारा समय लगभग पूरा होने आया, क्योंकि आधा घंटा व्यतीत करने में कोई बहुत वक्त नहीं लगता है, बैठे और थोड़ी देर में समय भी पूरा हो जाता है, इसी में परम धाम का अनुभव भी मिल जाता है और अपने को राज्य के
करीब होने का एक एहसास भी होता है। तो आइए आज के दिन जब मंगलधाम में सेवाएं आई है, हमारे कालिम्पोंग निवासी से टालदास पुजारी महाराज जी, पुजारी जी के रूप में पहले बाद में महाराज जी के रूप में वर्षों तक कम से कम 92 ईयर्स तक यहाँ रहे, उन्होंने सेवा दी। तो उनके पुत्र दाताराम जी और उनके पुत्र सुशील शर्मा जो हमारे युवा परिषद के अध्यक्ष थे, आज उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन की बहुत बहुत उनको बधाइयाँ देती हुई। आज का जो भंडारे की सेवा है उनकी ओर से है, तो उनको मंगल प्रदान करते हैं। और हमारे कर्नाटक रायचूर से पधारे हुए महिला मंडल की ओर से कालिम्पोंग धाम दर्शनार्थ आए हुए हैं गीता चौहान, एक बालिका की शिक्षा के लिए सेवा प्रदान कर रही है। और उड़ीसा भुवनेश्वर से कालिम्पोंग धाम दर्शन करने आए सुंदर सा श्रीमती इला मेंश्वर भाई फादर परिवार की ओर से एक बालिका की शिक्षा के लिए सेवा प्रदान कर रहे हैं। सभी को मंगल बधाइयाँ देते हुए, सबके प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करते हुए आज के प्रसंग को ही विराम दे रहे हैं। जयकार के साथ हमारे जो प्रेम सखी मंडल है जो दुर्ग से और अन्य क्षेत्र से यहाँ कालिम्पोंग दर्शनार्थ आए हैं, सप्ताह पारायण पढ़ रहे हैं, 21 पारायण पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर सजावट से इन्होंने पारायण को सजाया है और पूरा समय दे करके पारायण पढ़ रहे हैं। सखी भाव से चुनरी ओढ़ करके सखी भाव से पारायण का पाठ कर रहे हैं। तो आज छठा दिन है, छठे दिन का पारायण भी चलेगा और कल सातवें दिन में फिर करीब 11 बजे हम लोग पूर्णावधि में बैठेंगे और 11 से 12 पूर्णावधि का समय होगा कल के दिन। और पूर्णावधि के बाद राज्य की आरती करके राजभोग करा करके कल के कार्यक्रम को हम लोग पूरा करेंगे। तो कल के दिन का भंडारा सब मंगलधाम परिवार के लिए इसी प्रेम सखी सत्संग मंडल की ओर से ही है, जहाँ उनका भंडारा चल रहा है, मंगलधाम के सारे सदस्य भी वहीं पहुँचेंगे, ऐसा सुंदर कार्यक्रम है। और आज शाम को संध्या आरती के बाद राज्य के लिए उन्होंने जो श्रृंगार तैयार किया है वो श्रृंगार कराया जाएगा, श्री राज्य को कराया जाएगा। और ये जो मुकुट है, ये मुकुट भी हमारे मुंबई के सुंदर साथ में, क्योंकि राज्य के यहाँ अलग अलग से मुकुट बने हुए हैं, तो हमारे कल्याण के सुंदर साथ कविता जी भी आई हुई है, उनके सौजन्य से ये सुंदर मुकुट यहाँ लगे हुए हैं, राज्य को सजे हुए हैं। तो आप सब सुंदर साथ की सेवा है कि सज रहे मेरे श्री राज, देखो फूलों से कहते हैं जब जाते हैं रात्रि तब सजते हैं जब हृदय का पुष्प हम लोग प्रकट करते हैं। तो मंगलधाम में तो सजावट होते रहते, इतने श्रृंगार आते हैं, इतने सुंदर साथ यहाँ पर राज्य की सेवा करने के लिए आते हैं, अटूट सेवा यहाँ पर चलते रहती है। ये केवल गुरु महाराज की तपस्या का प्रताप है, सब कुछ गुरु महाराज के प्रताप से ही यहाँ पर होता है और उनकी कृपा से ही सब कुछ अच्छा अच्छा काम हो रहा है और अच्छे से शुभ कार्य करने के लिए हम लोग प्रेरित होते हैं। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम देते हुए चौपाई बना रहे, बोलो सतगुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की सर्व सुंदर साथ की, अबे कहुनि बालाजी Thank you.
Thank you.